Hello students, today we will solve the exam paper of Auditing and Management Accounting exam paper 2023 B.COM part 3rd जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग से यूनिट 5th का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट। निम्न सूचनाओं से चिट्ठा तैयार कीजिए। टोटल डेट टू नेटवर्थ 1:2, टोटल असेट टर्नओवर 2 times, GP 30%, average collection period 40 days, inventory turnover based on cost of revenue from operation and year-end inventory 3 times, asset test ratio 3:4, equity share capital 2 lakh, reserve and surplus 3 lakh, long term debts nil। तो इन इंफॉर्मेशन से हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस की। सो लेट अस सॉल्व कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। 2 लाख और 3 लाख दोनों को ऐड कर देंगे, 5 लाख की हमारी नेटवर्थ आ गई। नाउ हमें फर्स्ट रेशियो गिवन है टोटल डेट टू नेटवर्थ। तो टोटल डेट टू नेटवर्थ का 1:2 है और नेटवर्थ गिवन है, तो हम टोटल डेट्स फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेट्स। टोटल डेट टू नेटवर्थ का फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इक्वल्स टू 1:2। तो नेटवर्थ इधर आ जाएगा और टोटल डेट इधर आ जाएगा, तो 2 टोटल डेट इक्वल्स टू नेटवर्थ। अब नेटवर्थ में हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा इधर आने पे, तो टोटल डेट आ गई हमारी 2,50,000। टोटल डेट गिवन है 2,50,000 और लॉन्ग टर्म डेट्स यहाँ पे क्वेश्चन में निल गिवन है। तो टोटल डेट इक्वल्स टू क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये निल है, तो करंट लायबिलिटी आ गई हमारी 2.5 लाख की करंट लायबिलिटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, प्लस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल ऑफ लायबिलिटीज आ गया। टोटल ऑफ लायबिलिटीज इक्वल्स टू टोटल ऑफ असेट्स। देखिए 7,50,000 की टोटल असेट्स आ गई है। नाउ इंफॉर्मेशन गिवन है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। तो आपके पास टोटल असेट आ गई, टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो आप यहाँ से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये रहा फॉर्मूला, इसमें हमने रिप्लेस कर दिया। टोटल असेट टर्नओवर 2 क्वेश्चन में गिवन है, टोटल असेट्स फाइंड आउट की है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट हो गया। जीपी 30% गिवन है जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू इसका 70%, क्योंकि 30% प्रॉफिट है, तो 100 माइनस 30 कर दिया, 70 आपका कॉस्ट आ गया है। तो इसका कॉस्ट निकाल लिया 10,50,000। नाउ हमें गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसलिए हमें कॉस्ट निकालनी थी। फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर गिवन है 3 times, इनको सबको रिप्लेस कर देंगे, ये इधर होगा और ये यहाँ आ जाएगा डिवीजन में, डैट इज 3,50,000 इन्वेंट्री आ गई है। नाउ नेक्स्ट एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है डेटर्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें बोला गया है कि 360 डेज लिए गए हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड में, इनटू 360 कर देंगे। डेटर्स फाइंड आउट करने हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और ये गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डिवीजन में हो जाएगा। वैल्यू आ गई 1,66,667 डेटर्स की। अगर आपको फॉर्मूले में 2 चीज़ें फाइंड आउट है तो आप थर्ड आइटम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है एसेट टेस्ट रेशियो। एसेट टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यहाँ पे हमने एसेट टेस्ट रेशियो लिख दिया, करंट लायबिलिटीज ऊपर फाइंड आउट थी, इन्वेंट्री लिख दी। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये देखिए सॉल्व करने पर ये आ रहा है। आगे जब और सॉल्व करेंगे ये इस साइड आ जाएगा, प्लस में हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में आ गई है। 5,37,500 दिस इज योर करंट असेट। लुक स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो गई क्योंकि इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटी आ गई है। नाउ द असेट साइड, असेट साइड में इन्वेंट्री आ गया है, करंट असेट आ गई है। हम फिक्स्ड असेट्स फाइंड आउट करेंगे। फिक्स्ड असेट्स के लिए टोटल असेट्स माइनस करंट असेट्स दैट इज फिक्स्ड असेट। ये हमें दोनों ऊपर फाइंड आउट हो चुके थे 2,12,500। टोटल करंट असेट्स में से आपने इन्वेंट्री और डेटर्स को लेस कर दिया तो बाकी बचा है वो है कैश इन हैंड एंड एट बैंक, क्योंकि इन तीनों का टोटल करते हैं तो टोटल करंट असेट्स आ जाती है 5,37,500 से। नाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। फर्स्ट बैलेंस शीट एज ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख से, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख से, नॉन करंट लाइबिलिटी कुछ नहीं है, करंट लाइबिलिटी है 2,50,000, टोटल आ गया है 7,50,000 से टोटल लाइबिलिटीज। नाउ द असेट साइड, नॉन करंट असेट में फर्स्ट है फिक्स्ड असेट्स जो ऊपर कैलकुलेट हुआ है, करंट असेट्स में इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश इन हैंड, इन तीनों को लिख दिया, टोटल आ गया 7,50,000। हमारी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है।